जय शंकर। गत अंक से आगे बढ़ते नंदू सिंह गुंडे ने एक बोले को पराजित कर दिया था। प्रसार के अंदर कैसे घूम रहा था, मुंह में पान घुसा हुआ, आंखों में सुरमा, सारी तरह की विशेषताएं, लंबी लंबी दाढ़ी, जिना जोड़ रखी हुई, सारी विशेषताएं अपने को याद रखनी है। श्रावण का अंतिम सोमवार राजमाता पन्ना शिवाली में बैठ के पूजन कर रही थी। राजमाता और राजमाता का नाम क्या, राजमाता क्या नाम है, पन्ना टेस्ट होगा याद रखना, छोटे छोटे सवाल। पन्ना कौन है, राजमाता कहाँ बैठ के पूजन कर रही थी, शिवालय शिव जी का मंदिर, शिव आले शिव प्लस कौन सी संधि हो जाएगी, देव स्वर संधि, शिवालय में बैठ के क्या कर रही थी, पूजन कर रही थी राजमाता पन्ना। श्रावण का अंतिम सोमवार राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाप बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर कर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। आरती होगी, फूल बिखेरे, फूल बिखेर कर देवता के चरणों में क्या किया, प्रणाम। फिर प्रसाद लेकर बाहर आवाज देखा सर, ये आते ही उन्होंने दुलारी को देखा, उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती पर क्या करूं, उबरा मौलवी निगोड़ी आकर रेजिमेंट की कोठी पर ले जाने लगा। डटो ऐसी झंझट में बीत गया सरकार, कुबरा मौलवी यहाँ सुनती हूँ, उसी का नाम सुना है कि उसने यहाँ भी आकर कुछ फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, मौलवी के आतंक की बात की जा रही है। हाँ तब फिर क्या हुआ, तुम कैसे यहाँ आ पहुंची, बाबा ननकू सिंह उधर से आगे, ननकू सिंह कमजोर लोगों की रक्षा भी करता था, सुगंडे का नाम है ननकू सिंह। मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है, और ये जाने की जरा उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेठी भूल गई। गुंडे ने किसको झापड़ लगाया, मौलवी को, और तब जाकर मुझे किसी तरह आने की छुट्टी मिली। कौन बाबा ननकू सिंह, दुलारी ने ऐसे मिंचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम, बाबा निरंजन सिंह के लड़के है, उसके पिताजी का नाम क्या है, निरंजन सिंह, पिताजी का नाम क्या, ननकू सिंह के पिता का क्या नाम है, निरंजन सिंह, ननकू सिंह के पिता का नाम है निरंजन, बाबू निरंजन सिंह के कुंवर नहीं उसके साथ, कौन बाबू ननकू सिंह, दुलारी ने से मिचा करके, अरे क्या सरकार को नहीं जान मालूम, बाबू निरंजन सिंह के लड़के, उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी आपको बारी में झूला झूल रही थी, तब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था, बाबा निरंजन सिंह के कुंवर ने तो उसे उन दिन हम लोगों की रक्षा की थी, हाथी को भी रोका था, किसने, ननकू सिंह ने बिगड़े हुए हाथी को भी रोकने का प्रयास किया है। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवरण हो गया, विवरण लगे लिखा पड़ जाना। फिर अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, तो बाबू ननकू सिंह उधर कैसे आ गए, दुलारी ने मुस्कुरा कर सिनेचा कर दिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी, कौन थी, दुलारी, उसके साथ ही कितने बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना भूल चुकी थी, वो बचपन से गाने में सुरीली थी, सुंदर होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशी राज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी, राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ करता था, महलों के अंदर गाने बजाने का काम करती थी। महाराज बलवंत सिंह के समय से संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था। आप प्रेम दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत और अधिक रुचि न था, अब सात्विक भावपूर्ण भजन होने लगा। राजमाता पन्ना का शांत मुख मंडल कुछ मलिन हो गया था। राजमहलों में जो गाने का काम करती थी कौन, पन्ना, और अभी क्या गाना लगने शुरू हो गए, शिवालय में भजन कीर्तन करने का काम उसने प्रारंभ कर दिया है। बड़ी रानी के साथ ने ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी, अंतपुर कला का रंगमंच बनता रहा, अंतपुर रानियों के रहने का दुस्थान होता है राजमहलों के अंदर, उसे कहते हैं अंतपुर। इसी से प्राय पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती, रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता, नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला।
फिर स्वर्णता का सामाजिक देश उसके हृदय को व्यथित करता, उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण आया, छोटे से मंच पर बैठे गंगा की उमड़ती धारा को पढ़ना अन्य मनुष्य होकर देखने लगी उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई थी। सोचने का कोई कारण नहीं, उसने कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब लगने की प्रथा कभी कभी कम बैठता है। यदि वो बात वो भी होती तो ठीक, उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के लिए एक संभावना पर पहुंचने लगी थी। पन्ना को किसने रानी बना दिया था? राजा बलवंत सिंह ने। सो भी बाबू ननको सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मोर की दासी थी वह पन्ना के साथ उसी दिन से थे, जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेसी हुई। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिलता रहा और उसे न जाने कितनी जानकारी मिली। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी ननको सिंह अपने सब जमींदारी स्नान भैंसों की लड़ाई घुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर डाकू हो गया है। यानी ननको सिंह जमींदार का बेटा था, सारे रुपये पैसे उड़ाकर क्या बढ़ गया था? डाकू बढ़ गया था। रुपये पैसा भी उसके पास कमी नहीं थी। पिता क्या था? जमींदार था। सारी संपत्ति उसने गरीबों में लुटा कर क्या बन गया था? डाकू बन गया। जितने खून होते सब में उसी का हाथ रहता है। जितने भी खून होते किसका हाथ रहता है उसमें? ननको सिंह का। बाबू साहब ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। दुदारी कहते हैं बाबू साहब के जैसा कोई धर्मात्मा धर्म करने वाला ऐसा है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती है। डाकू था लेकिन गरीब लोगों की विधवा महिलाओं की सहायता करता था। डाकू था लेकिन गरीब और विधवा महिलाओं की क्या करता था? सहायता करता था, पहनने के लिए कपड़े भी दान में दे देता था। कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों को उनके द्वारा रक्षा होती है। लड़कियों की शादी करने का काम, दुखी पीड़ित सताए हुए लोगों की सहायता करने का काम, विधवाओं को कपड़े देने का काम भी कौन कर रहा है? डाकू ननको सिंह। रानी पन्ना के हृदय में एक तरतला उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी वे तेरे यहाँ आते है ना, इसी से तो उनकी बड़ाई। एक दूसरे की महिला में स्वती अदा होता है और दुलारी को उलाना देती हुई कहती है, पन्ना तेरे घर आते हैं इसलिए तो उनकी बड़ाई कर रही है। पिता दोस्त उसके ऊपर मंडित कर देती है। नई सरकार शपथ खाकर कह सकती हूँ, बाबू ननको सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा। राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल होती थी। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तिक्की दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले ही पार्क सना ही मिलने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार आजकल नगर की दशा बोली दशा बड़ी बुरी है। जिमदारी लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जुई में लोग अपना सरों से गंवाते हैं। बच्चे फुसलाए जाते हैं। गलियों में लाठियां और चूरा चलने के लिए चेडी भुआएं कारण बन जाती है। इधर रेजिडेंट साहब सरकार ने अनुबंध जम रही है। राजमाता चुप रही। दूसरे दिन राजा तेज सिंह के पास रेजिडेंट मार्केट की चिट्ठी आई। राजा का नाम क्या? तेज सिंह। जिसने नगर में दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, डाकू और बंदों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कुबरा मौलवी वाली घटना का उल्लेख था। कुबरा मौलवी को पीटा था उसने। किसने पीटा था? डाकू ननको सिंह ने। इधर हेस्टिंग्स के आने की सूचना थी। लॉरेंस हेस्टिंग्स उस समय का गवर्नर जनरल था। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह सागर की तरह उसके हाथ में लाठी गांव की गड्ढा सा पिछुआ और दरोगी देखते उसे पकड़ने को लगे। एक दिन ननको सिंह सुम्बा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पति डॉगी पर की जगह से बंधी हुई थी। कथों का गाना डाकू का दरबार लगा हुआ था एक अलग तरीके से गंगा नदी किनारे में। चार उला की इनके कया से खड़े थे। ननको सिंह ने अकस्मात का मलुकी गाना जमता नहीं है। उला की पर बैठ कर जाओ, दुलारी को बुला लाओ। मलुकी वहां मजीरा बजा रहा था, दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज ननको सिंह का मन उठा था, यानी डाकू ननको सिंह का आज मन लगा हुआ नहीं था। गाने बजाने में मौज बाबू में उसका मन लगा हुआ। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। बूटी छान छान के पी रहा है लेकिन कई बार छानने के बाद भी उसको नशा नहीं आ रहा है। एक घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस नगर में जो उसने सत्संग हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा, तुम किसी तरह खटका ना करो। ननको सिंह ने हंसकर कहा, यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह रही हूँ। क्या इससे राजमाता पन्ना देवी से महारानी का नाम राजमाता
अपना देवी। फिर उस दिन गाना नहीं जमा, दुलारी ने आश्चर्य से देखा, ताना में ननकू की आंखें तर हो रही थी, गाना बजाना समाप्त हो गया। वर्षा की रातों में झिल्लियों का स्वर उस झिरमट में पहुंच रहा था। मंदिर के समीप भी छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता निमग्न में बैठा था, आंखों में नींद नहीं, और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जाग रही थी, वो भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वो उठी और ननकू को समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आठ बातें चौंक कर ननकू सिंह के पास ही पड़ी तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब ये क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है। छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर ननकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों भाई जी, कैसे समय जाने की पड़ी है। मौलवी ने फिर बुलाया है क्या। दुलारी ननकू के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है। नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूँ। क्या क्या ये भी कभी तुम्हारे हृदय में, उसने पूछा। दुलारी हृदय को बेकार समझकर तो उसके हाथ में नींद दे रहा हूँ। कोई कुछ कर लेता, कुचलता, चीरता, उछालता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता है, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कोई खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम, न जाने घड़ी भर में क्या हो जाए, क्या उलट पुलट होने वाला है। बनारस की गलियां जैसे काटने दौड़ती है। कोई नई बात इधर हुई है क्या, कोई हेस्टिंग्स आया है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स आने वाला है, इसलिए डाकुओं पे क्या होने वाली, छापे लग रहे हैं। सुना है उस शिवालय घाट पर तिलकों की कंपनी का पहरा बैठा लिया है, तिलक घुड़सवारों के लिए कह रहे हैं। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वही है, कोई कोई कहता है उनको पकड़कर कलकत्ता भेजते हैं, क्यों पन्ना भी रनिवास भी वही है। ननकू अधीर उठा, क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। सहसा ननकू का मुख भयानक उठा, उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी। वोट खड़ा हुआ उदित की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर रास्ते रोकर उसने कहा, दुलारी जीवन में आज ये पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। निजन कुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिरता फिर रहा हूँ। क्यों तुम जानती हो मैं स्त्रियों का घोर विरोधी हूँ। पन्ना के तो उसका क्या अपराध, अत्याचारी बलवंत सिंह कलेजे बिछुआ में न उतार सकूं। बलवंत सिंह की प्रेयसी थी कौन, पन्ना, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। वही ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा। दुलारी ने देखा वो ननकू अंधकार में वटवृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उभरती धारा में डोंगी खोल दी। उसे घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 16 अगस्त 1981 काशी डावाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट स्टक करके पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थी, घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलवे वाला नहीं आया। सारा काशी बनारस चुप था। कब की घटना है सारी, कौन सी भाई कब की घटना है, 16 अगस्त 1881 की घटना है। दुकानें बंद थी, बेटे माँ से पूछ रहे आज हलवाई नहीं आ रहा है, हलवे की दुकानें बंद क्यों है। वह कहती, चुप बेटे, सड़कें सोनी पड़ी थी, फिल्मों की कंपनियों के आगे भी कुमरा मोल कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां बंद हो जाती, भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में शत्रु सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। उसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन, बाबू ननकू सिंह। कौन आ गया है, डाकू ननकू सिंह। अच्छा तब तक बाहर ही हो पागल, राजा कैद हो गए, छोड़ दो इन सब बहादुरों को, हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट आए। ठहरो ठहरो, हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले, ननकू की तलवार चमक उठी, सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा, नमक रमा चूड़िया पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया, कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। पुलिस ननकू सिंह को पकड़ना चाहती है लेकिन ननकू सिंह पकड़ में नहीं आ रहा। ननकू उन्मत्त था, उसने थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले हुए थे। वो नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का राजनीतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर थोड़े से साथी को माथे पर हड़बड़ मचाने के लिए भेजा। इधर अपनी डोगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी लटका कर चंचल डोगी को उसने स्थिर किया। बंदर की तरफ चलकर खिड़की के भीतर हो रही। उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह ने बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपको यह रहने से हम लोग क्या करें, ये समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके रामनगर चली गई होती तो ये तेजस्वी पन्ना ने कहा, मैं रामनगर कैसे चली जाऊं। मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी। उन्होंने फाटक पर कोलाहल मचा, राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा हुआ था कि ननकू सिंह का आना होने मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा, उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वो प्रश्न उठा, इसी की प्रतीक्षा में वो रुका था। उसने सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है। उसने
घूमकर देखा एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा पूरा देश। जैत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी इंसान निकल कर रह गई। उसने पहचान लिया इतने वर्षों बाद वही घनको सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ, पहले महाराजी को डोगी पर बिठाइए। नीचे दूसरी डोगी पर अच्छे मल्ला है, डोगी नाव भी नहीं गिरा, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा जनानी ड्यूटी का दरोगा राज की एक डोंगी पर चार मल्लाओं के साथ खिड़की से नाव सुनाकर प्रतीक्षा में। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और जय सिंह को देखकर पुत्र वसंता के संकेत में कुछ किया, उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब में यही ननको ने हंसकर कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठे, जब तक राजा भी नाव पर बैठ जाएंगे तब तक सत्र गोली खाकर भी ननको सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननको को देखा एक क्षण के लिए, चारों आंखें मिली, दिल में जन्म लिया, विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था, फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननको ने हरमत होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोगी पर और ननको सिंह फाटक पर इष्टा करके साथ सेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह के हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपको आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं, अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहाँ हैं साहब, मनिहार सिंह ने हंसकर कहा, बाहर खुला पड़ने लगा। चेतराम ने कहा, पहले जय सिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है? कड़क कर कहते हुए, बाबू मनिहार सिंह ने तलवार खींच ली, अभी बात पूरी न हो सकी। उमरा मौली नहीं पहुंचा या मौली साहब की कलम नहीं चल सकी और ना ये बाहर नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा, देखते क्या हो चेतराम? चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा, ये था कि बंदूक के सदे हुए हाथ से उसकी भुजा उठा दी। इष्टाकर आगे बढ़ा, मौली साहब चिल्लाने लगे। ननको सिंह देखते देखते इष्टाकर और उसके साथ वो धराशाई किया, फिर मौली साहब कैसे बचते? सबके आतंक को जर्जरित नष्ट कर दिया। ननको सिंह ने कहा, क्यों उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं? पाजी क्या कर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुबरा बोली वहीं पर क्या हो गया? ढेर समाप्त नष्ट। कुछ ही क्षणों में वो भीष्म घटना हो गई, इसके लिए अभी मैं प्रस्तुत न था। ननको सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप क्या देखते हैं? उतरी डोंगी पर उसके गांव से रख के फुहारे छूट रहे थे। इधर फाटक से तिलंगे भीतर आने थे। चैन सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि किसी तिलंगों को संगीना और पत्थर विचलित होकर तलवार चला रहा था। ननकू ने चट्टान दृश्य शरीर में गहरी की तरह की धारा बह रही थी। गुंडे का एक एक अंग कट कर वही गिरने लगा। बकासी का गुंडा था। कौन था कासी का गुंडा? ननकू सिंह। अब प्रेमचंद की कहानी है पुष की राह। मार्च पोष महीना होता है। सन आया है, लाओ जो रुपए लगे उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, तीन तो रुपए दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा? उसकी रात संध्या बढ़ रही है, हल्कू के घर के अंदर कंबल नहीं है लेकिन उधार मांगने वाला आ गया है। घर में कितने रुपए रखे हुए? 3 रुपए। मुन्नी लड़की बोल रही है, 3 रुपए अगर दे दिए तो कंबल कहाँ से लाएंगे? सर्दी के लिए बचाव कहाँ से होगा? उसने 3 ही तो रुपए दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माँ उसकी रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं, यानी फसल बिकेगी तब तक 3 रुपए दे देंगे अभी नहीं। रुपए किसके थे? सोने के रुपए थे, हार के रुपए थे, मांगने आ गया था। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा, पुष सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को किसी तरह से सो नहीं सकता, मगर सहना पड़ेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, अपमान करेगा, लज्जित करेगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो फिर से डर जाएगी। बला यानी मुसीबत तो फिर से डर सकती है, लेकिन जाड़े से मरा नहीं जाता। जाड़ा किसको कहते हैं? सर्दी को कहते हैं। घर में 3 रुपए थे, उधार मांगने वाला आ गया, हार के पैसे थे। किसके पैसे थे? हार के पैसे। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। स्त्री के समीप आ गया, समझ करके बोला, दांत दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। यानी कंबल लाने के लिए भी दूसरा तरीका सोचेंगे, विचार करेंगे, 3 रुपए घर में है वो दे दो। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन उपाय करोगे? हल्कू, हल्कू की स्त्री का नाम क्या है? मुन्नी। वो कह रही है कि कंबल के लिए कौन सा उपाय करोगे? दूसरा उपाय नहीं है, उधार मांगने वाले को 3 रुपए लेने आया।
जरा सुनो तो कौन उपाय करोगे, कोई खैरात नहीं देगा कम्बल, खैरात जान में दे देगा क्या कम्बल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए, तो हमारा जन्म हुआ है पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाहर जाए मैं रुपए न दूंगी न दूंगी, यानी ऐसी खेती करने से कोई मतलब नहीं है, मैं रुपए न दूंगी, दूसरी मजदूरी कर दो। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद कहना चाहते हैं खेती है वो घाटे का सौदा है किसान के लिए, उसको पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता है। हल्को उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं, मुनि ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा उसका राज है, मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बाहें नीली पड़ गई। हल्को ने के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो विष्णु जंतु की तरफ बातियों से घूर रहा था, उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और हल्को के हाथ पर रख दिए, फिर बोली तुम छोड़ दो, अब किसी खेती मजदूरी में सबसे एक रोटी खाने को मिलेगा, किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है मजदूरी करके लाओ वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस यानी मजदूरी करके जो रुपए भी लाते हैं वो भी किसमें लगा लेते हो, खेती में लगा लेते हो, खेती घाटे की किसी प्रकार की फायदेमंद खेती नहीं है। हल्को ने रुपए लिए और इस तरह बाजार चला मानो अपने हल्के निकाल कर देने जा रहा, उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकाले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक उसकी दीनता के भार से दबा जा रहा था, 3 रुपए चुकाने के लिए बाजार जा रहा है तो उसका सिर गरीबी के भार से दबता हुआ जा रहा है। उसकी अंधेरी रात कौन से महीने की, माघ को सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, उस समय की अंधेरी रात आकाश पर से तारे टूटते हुए मालूम होते हैं, मनुष्य तो क्या तारे भी सर्दी के मारे ठिठोरते लग रहे हैं। हल्को अपने खेत के किनारे कुक कुक कहते हैं गन्नों को, कुक किसको कहते हैं गन्ना, कुक के किनारे खेत के किनारे कुक के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी खटोला खाट सोते हैं सब, उसे कहते हैं खटोला खाट, और वो भी किसकी बनी हुई थी बांस की बनी हुई थी, कुक गन्ने के खेत के किनारे पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था, सर्दी के मारे क्या कर रहा था कांप, गुजरी छुट्टी हुई थी। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा, कुत्ते का क्या नाम है जबरा, पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, दो में से एक को नींद ना आती थी, या तो कुत्ते को नींद आती तो हल्को को नींद नहीं आती, हल्को को नींद आती तो कुत्ते को, दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्को ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा जाड़ा लगता है, घुटनियां घुटनियां किसको कहते भाई, घुटना को जबड़े से चिपका दिया ऐसे कहते हैं जबड़ा, यहाँ तक लेके आया चलो क्या, और किससे बातें कर रहा है जबरा, कुत्ते से कर रहा है, कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहो तो यहाँ क्या लेने आए थे, पुआल घर के अंदर ही वहीं पर लेट जाओ, यहाँ क्या लेने आए थे कुत्ते, अब खाओ ठंड मैं क्या करूं, जानते थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, कुत्ते के लिए कह रहा है घर से पुआल भी लेटा रहता, अब रो नानी के नाम को, इसके नाम को रो कुत्ते को कह रहा है। जबरा ने बड़े बड़े दूध मिलाई और अपनी कुकू को दिल बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया, वासी जमाई कहते हैं, उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया स्वामी को, मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही, कुत्ता कुकू कर रहा है, कुत्ते में बुद्धि सबसे ज्यादा होती है, स्वान निंद्रा नींद कुत्ते की बड़ी तनिक सी घटना के कारण कुत्ते की नींद जग जाती है, कुत्ता बड़ा सचेत जीव होता है और उसको समझ में आ गया कि कुत्ता बार बार कुकू करता है इसलिए उसको स्वामी को नींद नहीं आ रही, तो कुत्ते को सर्दी के कारण नहीं आ रही है और स्वामी भी सर्दी में टिटुर रहा है, घुटनियां जबड़े तक आ गई, यहाँ जबड़ा ही होता है यहाँ तक आ गई, कभी नींद नहीं आ रही। हल्को ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पेट सहलाते रखा, कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाऊंगी, ठंडे हो जाना मुहावरा है जिसका अर्थ है मृत्यु के मुंह में चले जाना, समाप्त हो जाना, ये रान पछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है, पछुआ हवनों के लिए कह रहा है, हवा चलती है देव कहां से ठंडी हवा बर्फ लेके आ रही है, उठ फिर एक चिलम भरो, क्या भरते हैं चिलम, खींचते आराम से होगा किसी तरह, रात तो कटे 8 चिलम तो पी चुका, रात भर में कितने चिलम पी चुका है, नींद नहीं आ रही है थोड़ी बहुत गर्मी तो आए क्योंकि पोस की रात है, ओढ़ने के लिए कंबल 3 रुपए थे वो भी उधार मांगने वाले को
ये स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीना चाहता है और बाकी मजदूरी करके लाता है, सारी मजदूरी किसमें लगा देता है, खेती में लगा लेता है। कौन लगाता है खेती में? किसान का नाम क्या है? हल्कू। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से झगड़ा कर भागे, मोटे मोटे गद्दे लिहाज कंबल मजा ले जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीरी खूबी है, मजदूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। शोषण अमीर वर्ग करते हैं, मजदूरी कौन करते हैं? मजदूर या शोषक वर्ग। इसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। यानी एक तो ऐसे वहां से है जिसके पास बिस्तर है, गद्दे है, लेकिन हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल है, वो भी फटा हुआ, नए कंबल के लिए 3 रुपए थे वो भी समाप्त हो गए। हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है? हाँ जरा मन बदल जाता है, जाड़ा तो सर्दी तो नहीं जाती है लेकिन मन एक बार बदल जाता है, मन में विश्वास हो जाता है कि चिलम पीने से कुछ गर्मी आ जाती है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकते हुए आंखों से देखा, हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, पुआल घास फूस बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना जब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रखे और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, नीचे करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। यानी पूरी रात निकालता है चिलम पीते पीते, हर बार नीचे करता है अब की बार सो जाऊंगा, नींद आ जाएगी, लेकिन सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही है? हल्कू को नींद नहीं आ रही। पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन होने लगी, कभी इस करवट लेता कभी उस करवट पर, जाड़ा किसी पिशाच की भांति पिशाच राक्षस भूत के लिए गए। उसकी छाती को दबाए हुए था, जब किसी तरह न रह गया उसने जबरा को धीरे धीरे उठाया और उसके सिर को थपकाकर उसकी गोद में सुला दिया, कुत्ते को अपने साथ सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव करा था जो उसे महीनों से उसे न मिला था। कुत्ते को गोद में सुलाए हुआ था, कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है, नीचे मुंह करके बात भी नहीं करनी। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंदना देगी। अपने किसी अभिनय मित्र था भाई, भाई को भी वो इसी तरह तत्परता से गले लगा था जैसे भाई को सुलाते हैं छोटे भाई को, कुत्ते को सर्दी से बचने के लिए साथ में। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे दशा को पहुंचा दिया, नहीं इस अनोखे मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिया और उसका एक एक कण प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट आई, आहट आवाज, इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। और झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर घूमने लगा। छपरी छपरा बनाया वाला, उसके बाहर आकर क्या करने लगे? कुत्ता भौंकने लगे, किसी जानवर के आने की आवाज सुनाई दी। हल्कू ने उसे कई बार चुनता रहा बुलाया पर वो उसके पास न आया। आज में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर घूमता रहा, एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता, करते हुए उसके हृदय में अरमान की बातें चल रहा था। एक घंटा और गुजर गया, बातें करने के लिए बाहर कह रहा हूँ, बाहर बैठ जाओ। एक घंटा और गुजर गया, रात ने शीत को हवा से धड़काना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसने छिपा लिया, दोनों घुटने छाती के लगा लिए, सिर्फ दोनों घुटनों के बीच में, दोनों पांव के बीच में छुपा दिया सर्दी से बचने के लिए। फिर भी ठंड कम न हुई ऐसा जान पड़ता था, सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही थी। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि सात तारे, इसको क्या कहते हैं अपनी भाषा मारवाड़ी, सात तारे होते उसको सप्तऋषि, अभी आकाश में आते ही नहीं, चले ऊपर आगे ऊपर आ जाएंगे तब फिर सवेरा होगा, अभी पहर से रात ऊपर रात है, 3 घंटे से ज्यादा रात बची हुई है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था, पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरो और उन्हें जलाकर धूप तापूं, आम की पत्तियों को इकट्ठा कर लूं और उसको जलाकर धूप ताप करूं, रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो
फ्रंट में ही आ जाता। उसने पास के अरारे में खेत में जाकर अरर अरर के खेत में गया, कई पौधे उखाड़ लिए, उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलझता हुआ उखला ली, ये बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा, पास आया उसे बुलाने लगा। हल्को ने कहा आते हो जाएंगे, पुकार के सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था, अंधकार में ठंडे पवन मध्य को गुजरता हुआ चला आता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी, ओस गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी माँ का ही जबरू, उन्होंने नाक में कुछ सुगंध आ रही थी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था, कुत्ते के लिए भोजन मिल गया। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी, पतिया बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था, हाथ चूर रहे थे, नीचे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी दो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो इसने अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए थे। अंधकार के सदा सागर से प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठ गया, बैठा आग तापता था। आग क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा दी, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जीव में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व उसके हृदय में छिपा न सका था। पत्तियां जला के आग लगा सारे चल हो गए, उससे भाग गई। उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कुकू करके क्या मानो कहा अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले से उपाय न सोचा इतनी ठंड क्यों खाते। जबर ने पूछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। आपको ऊपर से कूद के क्या कर रहे हैं, पार कर रहा है सर्दी भगाने के लिए। पार निकल जाता है, अगर जल गई बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबर ने उसे अग्नि राशि की और कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कहना देना, नहीं लड़ाई करेगी मुन्नी जबरा की घरवाली। ये कहता हुआ उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपके लगी पर वो कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा चलो चले इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार गया, आग के सामने पार चला गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में अंधेरा छाया हुआ था। राह के नीचे कुछ राग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में आंखें बंद कर देती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राग के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई पर जो जो शीत बढ़ता जाता उसे आलस से दबाए लगा था। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट पूरे कर दे। मगर हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आया, शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रहे हैं, उनके चबाने की आवाज चल चल सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नीचे नौच डाले मुझे भरम हो रहा है। कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसकी जोर से आवाज लगाई, जबरा 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 भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत चल जाने की आड़ मिली, अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जर लग रहा था, कैसा दंडाया हुआ बैठा था। इस जाड़े में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना आसान जान पड़ा, वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगी, हिलो हिलो जबरा। फिर भूख उठा, जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, दो तीन कदम चला पर एकाएक हवा का ऐसा झंडा चुभने वाला बिच्छू को डंक का सब झोंका लगा कि वो फिर कूदते हुए अल्लाह के पास आ बैठा और नाक कुरेद कर अपनी ठंडी देख गरम करने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डाल दादा नील गाय खेत का सफाई की डाल दी थी और वो गरम राग के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता की रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसे राग के पास गरम जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी आज क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर दम गई और अंदर सारा खेत चौपट हो गया। सुबह महिला ने आकर जगाया, घरवाली ने पूरा खेत क्या हो गया नष्ट, नील का रोज रिखा दी। हल्कू ने उठकर कहा क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। सारे खेत का क्या हो गया? सत्यानाश, सफाई हो गया। भला
ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ बड़े या डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा तो मुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। बहाना कर रहा है पूरी रात ठंड से संघर्ष करता रहा, सुबह पत्नी के सामने बहाना कर रहा है, पेट में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। वास्तविक दर्द तो था, उसके पास कहीं भी थी ओढ़ने के लिए कंबल भी। दोनों फिर खेत में डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा हुआ था और जबरा मटिया के नीचे चित देता है मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे, मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रश्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। खेत समाप्त हो गया, लेकिन हल्कू प्रश्न हो गया कि रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज की समस्या क्या होगी? समाधान हो गई, क्योंकि नील गाय ने पूरा पूरा खेत चौपट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसके मुख पर उदासी नहीं आई। राजे जनेंद्र कुमार की कहानियां हैं।